मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ तुलसी शर्मा, ईवीएस टीचर, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खेड़ा। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लास जो थर्ड है उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। ओके, और आप उसके प्लीज घर पर क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए। आज हम जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट चैप्टर, अ प्लांट फेरी। ठीक है, ये आज हम समझेंगे। तो प्लांट फेरी क्या होती है? ठीक है, प्लांट यानी होता है पौधा और फेरी यानी होता है परी। ठीक है, तो यानी पौधों की जो परी होती है उसे कहते हैं प्लांट फेरी। ठीक है, ये जो प्लांट फेरी है इसमें एक स्टोरी है। ठीक है, और स्टोरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें कुछ चार बच्चे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है अमू, नेक्स्ट उसका नाम है शबनम, थर्ड है माइकल एंड फोर्थ इज दयाराम। ठीक है, अब ये जो बच्चे हैं वो अपने बगल के जो नेबरहुड में उनका एक गार्डन है वहां पर खेलने गए। ठीक है, और उनके साथ एक उनकी दीदी गई है, ठीक है, सिस्टर गई है। और वहां पर वो क्या क्या खेल रहे हैं? वहां पर वो खेल रहे हैं छुपन छुपाई, अंताक्षरी, हाइड एंड सीक। ठीक है, ये सारे वो गेम्स खेल रहे हैं वहां पर। तो इतने में ही जो उनकी सिस्टर होती है दीदी, वो कहती है कि हमेशा आप ये सब पुराने गेम्स खेलते हो, आज कुछ नया गेम खेलते हैं। ठीक है, और वो कहती है कि ये जो गेम है ना, हम हमारे स्कूल कैंप में खेला करते थे। तो वो कहती है कि सब बच्चे यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको गेम के रूल्स बताती हूँ। ठीक है, तो गेम वो जब बताती है, गेम ऐसा होता है कि जो दीदी है वो खुद प्लांट फेरी बनती है। ठीक है, और जो बच्चे हैं उन्हें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। समझ रहे हो बच्चों? तो मतलब जैसे अगर वो कुछ कहेगी, कुछ भी काम, तो उन्हें वो बच्चों को उन्हें वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दीदी क्या कहती है उन्हें, वो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उस गेम के लिए और कहते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी हम खेलते हैं। ओके, तो फिर सबसे पहले दीदी कहती है, दीदी आस्क यू टू टच अ प्लांट। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या देती है वो बच्चों को, वो कहती है जाओ मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि जाकर किसी प्लांट को छूकर आओ। ठीक है, तो सब बच्चे सबसे पहले जाते हैं और प्लांट्स को टच करते हैं। ठीक है, अम्मू जो होती है वो जाती है और मैरीगोल्ड के प्लांट को टच करती है। मैरीगोल्ड यानी जो गेंदे का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसे जाके टच करती है। शबनम जैस्मिन प्लांट को टच करती है। माइकल मेहंदी के पेड़ को, मेहंदी के जो बुशेस होते हैं उसे टच करता है। और दयाराम जो होता है वो नीम ट्री को जाके टच कर लेता है। ठीक है, तो ये पहली एक्टिविटी वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट दोबारा सारे बच्चे आते हैं दीदी के पास। दीदी फिर से उन्हें एक और एक्टिविटी देती है, एक और ऑर्डर देती है। वो कहती है टू टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक, यानी किसी ऐसे पेड़ को जाकर टच करो जिसकी जो पेड़ का जो तना होता है या तो वो मोटा होना चाहिए या पतला। ठीक है, तो सारे बच्चे जाते हैं और सेम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इतने में ही जो माइकल है, ठीक है, माइकल है, उसे लगता है कि अरे वाह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है और ये प्लांट फेरी बनना तो और भी इंटरेस्टिंग है। ऑर्डर देती है और हमें उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो सब वो सबसे ये कहता है कि इस बार जो प्लांट फेरी है ना वो मैं बनूंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे उस पे हंसने लग जाते हैं कि एक लड़का और प्लांट फेरी। तो फिर भी सारे बच्चे मान जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है इस बार ऑर्डर तुम दे दो। और दीदी भी कहती है चलो ठीक है इस बार ऑर्डर तुम दो और बाकी बच्चे और हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो माइकल सबसे पहले जो कहता है, ऑर्डर देता है वो है कि गेट मी सम लीव्स क्विकली, जाओ जाकर कुछ पत्ते लेकर आओ। ठीक है, तो इतने में दीदी कहती है कि पत्ते तो जरूर लेके आना बट प्लग मत करना, यानी तोड़ के मत लाना, जो जमीन पर ग्राउंड में जो पड़े होंगे ना आप उन्हें ही उठाकर लेकर आओगे, तोड़ना मत। ठीक है, तो सारे बच्चे जाते हैं पेड़ों के जो पत्ते हैं उन्हें उठाते हैं। और जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा है दयाराम। ठीक है, दयाराम ये नोटिस करता है कि जो पत्ते हैं वो काफी डिफरेंट टाइप्स के पत्ते हैं। ठीक है, किसी का शेप अलग है, ठीक है, कोई कलर में अलग है। तो दयाराम सेड दैट देयर आर सम लीव्स लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर, कुछ लीव्स तो लंबे हैं, ठीक है, और कुछ लीव्स जो है त्रिकोण है, ट्रायंगुलर इन शेप है। ठीक है, तो
इतने में ही उसका जवाब देते हुए अमु कहती है, There are so many different colors as well. वो कहती है कि अरे हाँ, इनमें तो अलग अलग तरीके के कलर्स भी हैं, ठीक है, सेम कलर नहीं है, ठीक है। और कहती है सम आर येलो, कुछ पीले हैं, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ रेड है और कुछ पर्पल के कलर के हैं, ठीक है। तो वो ये बताती है कि सारे जो है ना पत्ते वो एक कलर के नहीं होते, दे हैव डिफरेंट कलर्स एंड इवन दे हैव डिफरेंट साइज, ठीक है। तो फिर कहती है अमू, देयर इज वन व्हिच इज ग्रीन बट हैज व्हाइट पैचेस ऑन इट। अमू कहती है कि देखो, मैंने एक पेड़ का पत्ता जो है उसने सबको दिखाया और वो कहती है कि ये देखो ये पत्ता कैसा है, उस वो पत्ता जो है वो ग्रीन था कलर में, बट जो उसके अंदर जो लाइंस होती हैं, पैचेस होते हैं, वो किस कलर के थे, व्हाइट कलर के, देखो, ठीक है, व्हाइट कलर के पैचेस थे उस पर। फिर कहती है सम हैज स्ट्रेट मार्जिन एंड सम अनइवन, कुछ पत्तों पे तो स्ट्रेट लाइंस है और कुछ पत्तों पे अनइवन यानी तिरछी लाइंस है, आड़ी तेरी जो होती है सीधी नहीं है, ठीक है, अनइवन है। सो तो फाइनली जो पत्ते, फिर उनका जो ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिर इतने में अमू और शबनम कहती है कि अरे वाह, माइकल का तो डन हो गया, अब हमें भी प्लांट फेरी बनने का मौका मिलना चाहिए। तो फिर दीदी कहती है कि नो, इट्स लेट नाउ, हमें घर जाना चाहिए, नेक्स्ट संडे को जब हम वापस ग्राउंड में आएंगे तो फिर आप फेरी बच जाना, ठीक है। और इस दौरान जाते जाते गार्डन से घर के दौरान दीदी जो है उन्हें एक लीव्स पे, पत्तों पर एक पोयम सुनाती है, ठीक है। वो पोयम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उसे समझाऊंगी, ठीक है। आपके लिए आज का यही होमवर्क है, ठीक है। मैंने आपको ये थोड़ी सी स्टोरी समझाई है प्लांट फेरी, किस तरह दीदी उन्हें प्लांट फेरी की एक यू नो एक्टिविटीज ऑर्डर्स को बताती है कि प्लांट फेरी गेम कैसा खेला जा सकता है, ठीक है। एक प्लांट फेरी होती है, वो ऑर्डर्स देती है, बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं, गेम काफी इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी स्टूडेंट, प्लीज घर पर इसे इस वीडियो को देखिए और स्टोरी को प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो आपको आज होमवर्क मिला है इसी चैप्टर का है और आप उसे भी राइट करके लर्न करना, ठीक है, ओके। कितने मिनट का बन गया, 7 मिनट।